परेशानी कुछ भी नहीं है, सरकार को चाहिए था ना जमीन, इसीलिए लिया है। इसमें खेती करेगा, सरकार को ना पैसा का कमी पड़ जा रहा है, इसीलिए जितना गरीब लोग होता है इसीलिए ऐसे कर रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद रांची के जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। रांची के हीनू नदी के किनारे हुए अतिक्रमण पर जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया और स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया। तो बताइए कितना आदमी ने कहां नदी में गया? अरे सब तो बाथरूम में छोटा सा कुछ भरवा दो, कहां जाएंगे? थोड़ा सा समझ में आया, बाथरूम के लिए तो ये सब कहां बोलेंगे? बाथरूम के लिए हम लोग नदी में जाएंगे बाथरूम करने के लिए। आप बताइए इतना आदमी के सामने हम कपड़ों को रख लैट्रिन करेंगे वहां? आप खुद बताइए ना हमको वहां। अरगोड़ा के सीओ ने बताया है कि हीनू नदी के किनारे अतिक्रमण किए हुए करीब 75 घरों को नोटिस भेजा गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। आगे भी कई घरों को चिन्हित करने का प्रयास जारी है और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आज में नोटिस सर्व किया गया था, उसके बाद इनको प्रॉपर टाइम दिया गया, सुनने का मौका दिया गया, इन लोगों को सुना भी गया। उसके बाद इनके जो ऑब्जेक्शन थे, आपत्ति थे, सबको हमने खारिज कर दिया, क्योंकि ये रिवर बेड के अंदर घर बना हुआ है। और हमने 26 अप्रैल को फाइनल नोटिस किया हटाने के लिए। उसके बाद भी इन लोग पर्याप्त समय था कि स्वयं हटा लें, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को हटाया नहीं गया। और आज हम लोग प्रशासन और पुलिस बल की सहायता से जो भी लीगल इंक्रोचमेंट है नदी के आसपास में किनारे पर भी, वो सबको हम लोग हटाने का काम कर रहे हैं। नदी किनारे अतिक्रमण कर घर बनाने वाले राजेश महतो का कहना है कि करीब 4 साल पहले भू माफियाओं के द्वारा यह जमीन उन्हें बेचा गया था। इस दौरान उनसे 1,00,000 रुपया भी लिया गया था। इनसे कहा गया था कि यह सरकारी जमीन है, हालांकि उस दौरान राजेश महतो के साथ किसी तरह की रजिस्ट्री भी नहीं की गई थी। 4 साल हो गया और उसमें 1,00,000 रुपए भुगतान किए थे। अरे ये आप लोग नहीं मालूम था ये सरकारी जमीन है नदी किनारे अतिक्रमण? अरे यार ऐसे कैसे पता चलता है कि नदी किनारे? न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।